लेकिन आप लोगों के लिए अब मैं वो एक सेगमेंट लेके आया हूँ जिसकी हमने मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा अगर तुम ये सेगमेंट करोगे तो तुम अगले साल होस्ट नहीं करोगे। मैंने कहा आपने यासिर को भी यही कहा था? वी हैव सो मेनी ब्यूटिफुल फेसेस हियर एंड एवरी वुमन हैज एक्चुअली पुट सो मच एफर्ट इनटू गेटिंग रेडी। So we're going to start off with the Best Dressed Female Award. All right, I need some nominees. सबसे पहले सर आ जाएं, आ जाएं, प्लीज आप आ जाएं। बहुत उस वक्त से खामोश बैठी हुई हैं। चुप खामोश लोग समझते हैं कि आप बोलती नहीं हैं, ये एक्चुअली बोलती भी हैं। प्लीज आइए स्टेज पे, तशरीफ लाइए। जस्ट ऑन दैट थर्ड स्टेप, दैट विल बी ग्रेट। जिसको आप टेक्स्ट करिए वो सो चुका है। आ जाएं, उधर आ जाएं प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली ज़ेबर बख्तियार। एंड वी नीड वन मोर, प्रेफरेबली समवन हु हैज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन देयर ड्रेस। दे हैव थॉट इट थ्रू, दे कंसल्टेड नुमान एजाज एंड ही सेड Do whatever. Anya, आ जाइए, आ जाइए। Don't worry, मैं यासिर वाली हरकत बिल्कुल नहीं करूंगा। All right, ladies and gentlemen, we have these beautiful women. First of all, give them a big round of applause. तो सबसे पहले हानिया, आप का शरबत जो आज बन के आ रही हुई हैं, इसके पीछे क्या सोच थी, क्या एफर्ट था? मुझे वैसे कल तक नहीं पता था क्या पहनना है, लेकिन अच्छा यार, बुरा नहीं है, क्यों, सही है ना? नोट करें, अदनान साहब ने फिर से तालियां नहीं बजाएं। आज अब ये वलीमे में क्यों आई हैं भाई, ये बता। अच्छा लग रहा था, मुझे लगा इस पहनना चाहिए, अच्छा नहीं लगा। आपको किसी ने कहा था कि आज यहाँ डांस होगा, वलीमे पे डांस हम करेंगे और सारा कुछ? मुझे शौक बहुत है तैयार होने का, तो इसी वजह से मैंने पहना। क्या बात है जी। देवा जी, मेरी फेवरेट कश्मीरी चाय है। रिजवान बेग का कसूर है। रिजवान बेग, मगर इसके पीछे सोच क्या थी? मैंने कहा था कि मुझे कोई धीमा सा कलर देना। उन्हें अड्डा फिक्का करते हैं। और आपने कहा कि नहीं नहीं इसको इतना फीका भी नहीं करना, इसमें थोड़ा सा शिमर डाल दो, तो उसने डाल ही दिया। चलें। I was going to say be nice to me, you do this to me every year, twice a year on every award show, just be considerate please, for the love of God. ये उनको दे दे, उनका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी तालियां बताएंगी इन खवातीन में से सबसे खूबसूरत कौन लग रही है। ऑप्शन ए, लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट अ डाउट द अवार्ड गोज टू ज़ेबा बख्तियार। आज ज़ेबा जी ने घर जाके गाना लगाना, स्टिल गॉट इट, स्टिल गॉट इट, हाँ स्टिल गॉट इट। आइए जी, थैंक यू सो मच लेडीज फॉर बीइंग सो लवली एंड बीइंग अ गुड स्पोर्ट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी आती है मर्दों की। ये वो मर्द हैं जिन्होंने टक्स उधार पे लिए हुए हैं, उन्होंने अपने साइज भी नहीं सिलवाए और यहाँ आके उन्होंने कोशिश ये की है कि थोड़ा सा टेड खींच के रखें। तो आइए देखते हैं कि आज बेस्ट मेल, गुड लुकिंग मेल्स कौन से हैं। सबसे पहले तो यहां से हम किसी को उठाएंगे जो कि नजर भी आ रहा है। आइए अजान साहब। आइए आइए आइए, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। भट्ट साहब आप भी आ जाएं, आ जाएं, बड़ी मेहनत की आपने। निकाल आइए, निकाल निकाल दीजिए, आइए। वी नीड वन मोर हैंडसम मैन लेडीज एंड जेंटलमैन, अदनान सिद्दीकी।
Ishan bhai, main ek hi cheez puchunga, ye sherwani kiski hai? Sab aage keh raha hu ki pichle award mein bhi yahi sherwani pehni thi maine. Chalaki ek hi hai, iske button badal diye maine. Mazey ki baat hai, ye apni acting mein bhi yahi karte hain. Sirf naam badal dete hain. Ji sir. Nikal, you've always looked so nice. Ye aaj K2 ke work jo laga ke aap aaye hue hai. So Nikal ne kaha, yeah dude, I want to look different, man. To usne kaha, acha. But sahab, ye jo shimmer shumar aaj aapne kya pehna hai? Aur mere khayal hai ki bhabhi ka jo purana ek saadi thi, wo aapne uska ki main kyun na isko recycle karun aur main ye pehnun. So, ये इसके अंदर आपके कितने man hours लगे और क्या आप अंधेरे में नजर आते हैं? Yeah, जब मैं आ रहा था तो एमन ने मुझे कहा कि I want you to shine like a star over there. So मैंने पूछा कि ये एक आसान तरीका है चमकता हुआ कुछ. देखिए जिन जो junior artist हैं ना उन्होंने किसी तरह stand out करना है तो वो इस तरह की जैकेटें पहन के आएंगे तो stand out करेंगे. सामने बैठी मैं क्या कहूं तो हालांकि इतनी ठंड है कि मैंने कोडरा की जैकेट पहनी हुई है लेकिन जवानी भरपूर आई हुई है. इससे तंग और कुर्ता नहीं आपको मिला था? वो पीछे कोई कह रहे थे कि वो आसान ने शमीज पहन ली है, उसको रोके. ये कहाँ से ये सोच आई? सर मैं काले वाला पहनने वाला था, आपने कहा था कि ये अच्छा लग रहा है तो. नहीं, मैंने जब देखा था ये इसके आगे दुपट्टा था. आपने कहा दुपट्टा के बगैर जाओ. असल में अम्मी ने कहा कि फीका कलर चाहिए, आपने वहां से कसर पूरी कर दी. तो नाजरीन, ये चार नौजवान हैं, उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं. मेहनत कुछ लोगों ने की है, कुछ ने बिल्कुल नहीं की. अब आपने बताना है कि इनमें से सबसे गुड लुकिंग कौन लग रहा है और हम लोग क्या करेंगे, आपकी चीखें बताएंगी. सबसे पहले अजान. अच्छा है बट साहब, मिकाल तुझे पता ना हम ह्यूस्टन में हैं. अदनान सदीकी, नाज़नीन, पुरानी शेरवानी का न्याय.